Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the lecture number 17. This lecture number 17 is a continuation of lecture number 16 that we have discussed, in which we have discussed about internal control system, and we will also talk about special journals and subsidiary journals. Now, in lecture number 17, we have discussed about the basic accounting system that starts from the analysis. Based on the analysis, you design your accounting system, and after designing, you implement that accounting system. हमने बड़ा डिटेल में इसको देखा था कि आपने कैसे उसका एनालिसिस करना है. बेस्ड ऑन योर एनालिसिस फिर आप देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐड होनी चाहिए इसके अंदर. आप उसकी उसके एनालिसिस की बेस पे आप डिजाइन करते हैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम को, एंड फाइनली यू इंप्लीमेंट दैट अकाउंटिंग सिस्टम. अब आपने चेक करना होता है कि इधर इट इज अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस आर इट इज गोइंग अ गैप बिटवीन अवर एनालिसिस एंड इंप्लीमेंटेशन. जब आपने इंप्लीमेंट किया तो फिर आप उसका कंपेरिजन कर रहे होते हैं जो आपने एनालिसिस किया होता है. अगर उसके दरमियान कोई गैप है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको वो फीडबैक बताता है, वो आपको कंपैरिजन बताता है कि क्या आपने उसके मुताबिक किया था काम या नहीं किया था. देन वी हैव सीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. वी स्टडीड अबाउट थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. आपका डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, आपने प्रॉपर कंप्लायंस करनी है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन की, और आपने प्रॉपर एक इंटरनल कंट्रोल का कल्चर देना होता है. आपने इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़े. वी स्टडीड अबाउट फाइव बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट वर कंट्रोल एनवायरनमेंट. फर्स्ट यू हैव टू गिव द कंट्रोल एनवायरनमेंट. आपने पूरे के पूरे वो जिस तरह हमने उसके ऑब्जेक्टिव में देखा था कि आपके पास प्रॉपर प्रोसीजर्स होने चाहिए, मेथड्स होने चाहिए. वो मेथड्स क्या थे आपके, के वर्क डन बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन. तो आपके पास ये पूरे का पूरा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होना चाहिए, सो दैट एवरीबॉडी मस्ट अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दीज बाउंड्रीज, दीज आर अवर लिमिट्स, एंड इफ आई कुड ट्राई टू डू समथिंग रॉन्ग आई कुड बी इजिली डिटेक्टेड. मैं फौरन ही पकड़ा जाऊंगा कि अगर मैंने कोई किया काम ऐसा. तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट. Then we studied about risk assessment. Risk को आपने assess करना है. You should have the ability that any fraud that can be easily highlighted. अगर कहीं से कोई fraud आ भी रहा है तो you just smell के यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, there is something wrong with the procedures. आप उसको फौरन ही detect कर लें. Then we have seen control procedures. आपने कंट्रोल प्रोसीजर्स भी देखे कि आपने कैसे कंट्रोल करना है. वी विल टॉक अबाउट इन द लेटर स्लाइड्स. देन मॉनिटरिंग, देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग. कि आप ये नहीं है कि एक इंटरनल के बाद चेक कर रहे हो. आपने कहा कि जी हम एक वीक के बाद चेक करते हैं, हम एक महीने के बाद चेक करते हैं काम ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा. देयर शुड बी अ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग of all your procedures, all your methods, all the processes and all of your employees. Then information and communication, we have already talked about in detail that without information and communication you cannot get desired results. aap wo kaam hi nahi kar sakte kyunki aapne na to proper communicate kiya hai aur na hi aapko proper communication aa rahi hai ki kaam kya ho raha hai. So इन केस अगर आप ये इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट ना करें तो उसके अब्यूजेस या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट इन डिटेल.
कि उसके कौन कौन से इश्यूज ऐसे हैं कि आप अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर जो मेजर जो इशू है आपके साथ वो तो फ्रॉड का है कि आपकी जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो आपकी पर्सनल यूटिलाइजेशन में जा रहे हैं, उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। आई एम जस्ट यूजिंग अ कॉमन वर्ड, योर रिसोर्सेज, क्या आपके रिसोर्सेज कोई भी इम्प्लॉई वो अपने पर्पस के लिए यूज कर सकता है। देन क्लूज टू पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, वो कौन से क्लूज हो सकते हैं, आपको कहाँ से वार्निंग साइंस मिल सकते हैं कि एक बंदा अगर क्या नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब है कि देर इज समथिंग रॉन्ग। तो वो आपके वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरनल कंट्रोल के, वो इन पांचों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से इजीली हाईलाइट हो सकते हैं और उनको आप अचीव कर सकते हैं। आपने देखा एफिशिएंसी एंड एफेक्टिवनेस ऑफ योर प्रोसीजर्स, आपने देखा प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद आपने देखा है कि प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। वो किसके लिए आप लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस कर रहे होते हैं, यू हैव स्टेक होल्डर्स, इंटरनल भी हो सकते हैं एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। फिर एलिमेंट्स, ये आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे होते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आपका अपने शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम करना होता है, और वो उनका इंटरेस्ट क्या होता है कि उनका बिजनेस भी एक्सपैंड करे और उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज करे, प्लस दरमियान में किसी भी आपके रिसोर्स की ना फ्रॉड हो ना वेस्टेज हो, उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। सो द थर्ड कंपोनेंट वाज योर कंट्रोल प्रोसीजर्स, इनको मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता चलूं कि क्या आपके प्रोसीजर्स होने चाहिए। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अच्छी पोजीशन पर चले जाते हैं आप विद द टाइम बीइंग, आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे एक कंट्रोल प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है, सो दैट देर शुड बी अ मिनिमाइजेशन ऑफ एनी फ्रॉड और मिस्टेक। वो क्या हो सकते हैं, यू हैव टू अप्लाई कॉम्पिटेंट पर्सनल्स, आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट होने चाहिए, यानी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ऐसे नहीं है कि आप जो है वो HR में आपकी स्पेशलाइजेशन है, ह्यूमन रिसोर्स में आपकी स्पेशलाइजेशन है और आप जो है वो उसको काम फाइनेंस का दे दें, या फाइनेंस का एम्प्लॉई है और आप उसको लगा दें मार्केटिंग में। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का मतलब ये हुआ कि आपका फाइनेंस का बंदा है तो आपने उससे फाइनेंस का ही काम लेना है। देन रोटेटिंग ड्यूटीज वी डिस्कस्ड, कि आपने शिफ्ट करते रहना है अपने एम्प्लॉयज़ को, कभी एक जगह काम कर रहा है कभी दूसरी जगह काम कर रहा है, इन केस वो एक जगह काम करता रहेगा तो उसका बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशनशिप भी बन जाएगा, प्लस वो ये है कि इजीली फ्रॉड कर सकता है सब लोगों के साथ मिलके, सबको मोटिवेट कर सकता है वो। देन मैंडेटरी वेकेशंस, आप लाजमी उनको छुट्टियों पर भेजें ताकि आपके जो उसकी जगह काम आके करेगा वो देख सकेगा कि काम ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। देन सेपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रिलेटेड ऑपरेशंस, आपने हर बंदे की सेपरेट करनी है ऑपरेशन से, वर्क डन बाय वन पर्सन इज चेक्ड बाय अनदर पर्सन। आपने एक काम किया और पहले बंदे का काम, दूसरे बंदे का काम पहले बंदे के काम पर डिपेंडेंट है, जब वो काम कंप्लीट करके देगा तो अगला बंदा करेगा, आपकी सेपरेट ड्यूटीज होनी चाहिए। आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप बैंक में अप्लाई करें, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में करें, आप सर्विसेज में करें, कहीं पे भी करें, डॉक्यूमेंटेशन जब होगी तो वो सेपरेट होगी। एक बंदा पैसे जमा करवा रहा है, दूसरा उसकी रिसीट दे रहा है, तीसरा उसको वेरीफाई कर रहा है। देन सेपरेटिंग ऑपरेशंस, कस्टडी ऑफ एसेट्स एंड अकाउंटिंग, आपके पास आपने जो ऑपरेशंस होते हैं वो उनको सेपरेट रखना है। ये नहीं है कि एक बंदा कैश रिसीव भी कर रहा है और उसके अगेंस्ट वो साथ उसको रिसीट भी दे रहा होता है। देन प्रूफ एंड सिक्योरिटी मेजर्स, आपने प्रॉपर हर काम जो भी करना है वो प्रॉपर प्रूफ और एविडेंस के साथ करना होता है, उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स भी आपने अडॉप्ट करने। ये नहीं है कि आपने प्रॉपर कोई पेमेंट की और उसके अगेंस्ट रिसीट ना दे, या आपने आपने कैश रिसीव की और उसके अगेंस्ट कोई आप रिसीट नहीं दे रहे, तो आपके प्रॉपर एविडेंसेज होने चाहिए हर चीज़ के। देन वी स्टडीड अदरवाइज कि अगर आप अगर ये चीज़ें अप्लाई नहीं करते हैं तो व्हाट कुड हैपन, आपको आपने आपके जो फ्रेंड्स फ्रेंडशिप बेसिस पे आप जो है वो ऑर्डर्स
दे देंगे, आपके इंप्लॉयज फ्रेंडशिप बेसिस पे करेंगे, वहां पर क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाएगा, उसमें प्राइस का ख्याल नहीं रखा जाएगा. देन वी स्टडीड अबाउट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सप्लाईज रिसीव्ड मे नॉट बी वेरीफाइड. जाहिर है अलग अलग लोग हैं तो वेरीफाई करेंगे क्या लिस्ट के मुताबिक वो आइटम्स मौजूद हैं कि नहीं है. अब फिर आप अगर हायर पेमेंट कर दें पुअर क्वालिटीज, जो हमारे पास हो रहा होता है अक्सर, कि यू आर पेइंग मोर बट द क्वालिटी इज लेस, क्वालिटी इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्राइस, जो आपने कोटेशन दी है उसके मुताबिक है ही नहीं वो चीज़. जब दो लोग अलग हैं तो उसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं. अब दरमियान में फ्रेंडशिप भी ख़त्म, दरमियान में प्रॉपर बिडिंग हुई उसकी. देन सप्लाईज मे बी स्टोलन बाई द एम्प्लॉयज. जाहिर है आप एक ही बंदा एक काम कर रहा है तो यू कैन ईजिली स्टील द थिंग्स, जो उसके एसेट्स हैं उनको आराम से चोरी किया जा सकता है. देन वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इनवॉइसेस मे बी वेरीफाइड केयरलेसली. सिंपल इज दैट के आप कैसे वेरीफाई करेंगे व्हेन 1% इज डूइंग ऑल द ड्यूटीज, सो दे शुड हैव एटलीस्ट सेपरेट ड्यूटीज. अगर छोटा बिजनेस है तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं बीइंग एन ओनर, और बड़ा बिजनेस है तो फिर आपको ज्यादा एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, लार्ज स्केल पे आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे. देन वार्निंग, हमने देखा कि व्हाट कुड बी द वार्निंग्स ऑफ एनी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आर एनी पोटेंशियल फ्रॉड्स, वो क्या हो सकती हैं. एब्रप्ट चेंजेस इन द लाइफ. जाहिर अचानक ही आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है. जब और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग. देन क्लोज सोशल रिलेशनशिप्स विद द सप्लायर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोई, जब उसके साथ कोई एक रिलेशनशिप नहीं है, और हाउ मच क्लोज यू आर विद द सप्लायर, कि एक एम्प्लॉई सप्लायर के साथ इतना क्यों, अगर उसका ताल्लुक है तो एक प्रोफेशनल ताल्लुक होना चाहिए. लेकिन आप देखते हैं कि वो टाइम भी इकट्ठे गुजार रहे होते हैं. यू कैन चेक इट. जब वो टाइम इकट्ठा गुजार रहे हैं, डिनर्स लंच इकट्ठे कर रहे हैं, तो देर कुड बी अ समथिंग रॉन्ग, यू हैव टू चेक. देन रिफ्यूजिंग टू टेक अ वेकेशन. जाहिर अगर कोई आप किसी एम्प्लॉई को अगर वेकेशंस पे भेजें और वो ना जाए, तो ऐसा कौन हो सकता है जिसको छुट्टियां अच्छी ना लगती हों. तो फिर अगर वो छुट्टियों पर नहीं जा रहा तो आप उसको चेक करें कि क्या रीज़न है वो क्यों छुट्टियों पर नहीं जा रहा, कि उसको शायद डर हो कि जो मेरे पास रिकॉर्ड्स है वो चेक ना हो जाए, या वो इन केस उसने एक टाइम पीरियड मैनेज किया हुआ है कि उस दौरान हमने रिकॉर्ड कर कोई फ्रॉड करना है तो वो ना हमारा टाइम पीरियड गुजर जाए, तो वो क्यों नहीं जा रहा वेकेशंस पे. और लास्ट टाइम आई ऑलरेडी टोल्ड यू एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल आर ड्रग्स, के लोग बहुत ज़्यादा इवन के स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं. फिर देखें उसकी जो सैलरी है उसके मुताबिक वो किस तरह की स्मोकिंग करते हैं, कौन से सिगरेट्स यूज़ करते हैं. सैलरी उसकी 10,000 है और वो सिगरेट जो है वो बड़े हाई क्लास के पी रहे हैं. तो ये चीज़ें भी आपको एक सिग्नल देती हैं कि आप इसको चेक करें, आप उसको मॉनिटर करें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. नॉर्मली हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं उन पर ये ज़्यादा चीज़ें अप्लाई होती हैं, जो प्राइवेट होते हैं उसमें ज़रा ये कम होती हैं. उसकी रीज़न ये है कि वो प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपना अप्लाई करते हैं, फिर ये सारे का सारा काम होता है उनका. सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दैट वेयर एवर यू गो यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, के वेयर डज इट स्टार्ट्स एंड वेयर डज इट एंड्स एंड व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इफ यू कुड अप्लाई दीज 5 एलिमेंट्स You can easily detect fraud or mistakes. जब आपको इन सारी बातों का पता चल जाएगा, even you can start your own business or even your parents, your father is also doing business, you can check that all the things are properly cared, उनको proper तरीके से रखा जाता है, उनका proper record मौजूद है, because you are studying internal control system.
विच इज एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग सिस्टम, कि आपको अकाउंटिंग सिस्टम ये सारे के सारे प्रोसीजर्स बताता है कि आप रिकॉर्ड करें। ये रिकॉर्ड किस में होता है आपके? ये रिकॉर्ड आपके प्रॉपर अकाउंटिंग में किया जाता है, दैट योर फिजिकल थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू योर रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड इन द अकाउंटिंग सिस्टम। अब जब सेपरेट ड्यूटीज हैं लोगों की, तो वो आपको एक अकाउंटेंट बताएगा कि हमारे पास बुक्स में इतनी चीजें मौजूद हैं। अब आप बताएं, स्टोर कीपर बताएगा कि फिजिकल आपकी कितनी एग्जिस्ट करती हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ईदर इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और इट इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज हैं, उनके भी प्रोसीजर्स होते हैं प्रॉपर, उन्होंने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना होता है। अब ये ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल ना हो तो इट मीन्स के यू हैव नॉट येट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। जब ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है तो मेरे ख्याल में फिर इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होना चाहिए, जिससे ही आपके रिसोर्सेज में जो वेस्टेज है वो या तो कम हो सकती है या फिर आप फ्रॉड्स हैं उसको आप खत्म कर सकते हैं। एटलीस्ट फ्रॉड्स या मिस्टेक्स या एरर्स इस तरह की ना हो जो आपके डिसीजंस पर इफेक्ट करें। बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट वी शुड हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका आता ही अकाउंटिंग सिस्टम के साथ है कि आपने हर चीज का रिकॉर्ड रखना होता है, आपने सारे सारे प्रोसीजर्स को मेंटेन करना होता है। जब आप इन चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं तो आपके पास वो जो एक जिसके लिए आपने पैसे दिए हुए हैं, जिसके लिए आपने एक पैसों की यूटिलाइजेशन की हुई है, मनी इन्वॉल्व है, वो आपकी एटलीस्ट सेव रहती है, या आप जो अगर उसको स्पेंड कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी आउटपुट आप ठीक ले रहे होते हैं। आई होप नाउ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हमने स्टार्ट किया था अपने ओवरव्यू लेक्चर से कि व्हाट इज अ बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम। वी स्टार्टेड बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम एनालिसिस ऑफ योर बिजनेस। उसमें आप देखेंगे क्या क्या चीजें आपको चाहिए, फिर आप एनालिसिस के बाद अपना अकाउंटिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं। जब आपने डिजाइन कर लिया तो फिर आप उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट कर देते हैं। आफ्टर इंप्लीमेंटेशन यू चेक दैट इधर इट इज अकॉर्डिंग टू अवर एनालिसिस और नॉट। वो आपको एक फीडबैक बता रहा होता है कि बाकी काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। वो फीडबैक आपके एम्प्लॉयज दे रहे होते हैं कि यहां पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें चीजें और ऐड होती रहती हैं और ऐड होती रहती हैं। आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी देखा होगा कि उसमें कस्टमाइजेशन की एक ऑप्शन होती है। वो कस्टमाइजेशन क्या है आपकी? कस्टमाइजेशन आपको बताती है कि आप अपनी मर्जी से कोई चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिर आपके अकाउंटिंग सिस्टम में भी एक कस्टमाइजेशन होती है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आपको आपके मुताबिक चीज़ें चाहिए होती हैं आप उसमें और ऐड करते रहते हैं। अब जैसे बैंक है, बैंक में आपके पास एक कस्टमाइजेशन की ऑप्शन ये होती है कि आप इसमें अपने कस्टमर जितने मर्जी बढ़ाते जाएं। अब फिक्स लिमिट तो नहीं है ना कि आपके फॉर एग्जांपल 10,000 ही कस्टमर्स हैं तो आपके 10,000 ही रहेंगे। डिपॉजिटर्स आपके 10,000 है तो 10,000 ही रहेंगे, वो इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज जब आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो दिस इज अ टाइप ऑफ योर कस्टमाइजेशन दैट इज डन इन द अकाउंटिंग सिस्टम। देन वी स्टडीड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसके तीन हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे आपके। देन वी वेंट टू द एलिमेंट्स कि आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। वी स्टार्टेड फ्रॉम द कंट्रोल एनवायरनमेंट, देन वी टॉक्ड अबाउट रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल प्रोसीजर्स। कंट्रोल प्रोसीजर्स में आपने देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कि किसके थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी हमने नेक्स्ट स्लाइड देखी है। देन मॉनिटरिंग, आपने कंटिन्यूस चेक रखना है, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है। यू मस्ट बी वेरी क्रिटिकल, आप क्वेश्चन करें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, आप उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें, सब ऑर्डिनेट्स के पास जाइए। सिर्फ आप अपने सब ऑर्डिनेट पर रिलाई ना करें, उन सब ऑर्डिनेट्स के जो आगे सब ऑर्डिनेट्स हैं आप उनसे भी जाकर पूछें कि काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि बाज़ूकात ये भी होता है कि
जो मैनेजर्स हैं वो ओनर्स को नहीं बताते कोई बात, वो अपने तक ही रखते हैं। तो आप उनसे पूछें जाके कि ये क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, किसी जगह कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। फिर आप उनसे जाके पूछें भी, तो उसमें आप अपने मैनेजर्स को भी चेक कर रहे होते हैं। देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, के विदाउट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यू कैन नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि आपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना होता है, उससे काम के प्रोसीजर्स, काम के मेथड्स आपने उनको कम्युनिकेट करने होते हैं, और फिर जो फीडबैक है, फीडबैक इन्फॉर्मेशन है वो आपने लेनी होती है। तो आपके पास ये डाउनवर्ड अपवर्ड इन्फॉर्मेशन ये चलती रहनी चाहिए। देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, कंट्रोल प्रोसीजर्स में आपने देखा था कॉम्पिटेंट पर्सनल के बारे में हमने कहा, रोटेटिंग ड्यूटीज़ के बारे में कहा, मैंडेटरी वेकेशन, सेपरेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेपरेटिंग ऑपरेशंस, प्रूफ्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स, ये हमने देखा था कंट्रोल प्रोसीजर में। देन जो उसके अब्यूज़ थे या प्रॉब्लम्स थे वो क्या हो सकते हैं, वी हैव टॉक्ड अबाउट इन डिटेल कि आप फ्रेंडशिप की बेसिस पे आप कोई ऑर्डर दे सकते हैं, प्राइस और क्वालिटी चेक नहीं करते हैं आप लोग, जो सप्लायर्स हैं वो उनकी सप्लाईज, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सप्लाईज़ को चोरी कर सकती हैं, और वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इनवॉइसेस में बी वेरीफाइड केयरलेसली, कि आप प्रॉपर उनको वेरीफाई ना करें। देन पोटेंशियल इश्यूज क्या हो सकते हैं आपके, कैसे आप चेक कर सकते हैं, कौन सी वार्निंग साइंस होती हैं, हमने इनको देखा, आपके ये ऑलमोस्ट 5 हैं जिनके थ्रू आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि ये कर क्या रहे हैं, कैसे काम हो रहा है। सो दीज वर द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड वार्निंग साइंस आर आल्सो प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम द अकाउंटिंग सिस्टम। तो आई होप के यू हैव नाउ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो दैट इज़ वाई आई हैव गिवन मोर टाइम इन माई रिव्यू अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि अगर वो आपका जो पिछला लेक्चर है वो थोड़ा सा लेंथी हो गया था, ज़्यादा हो गया था, तो उसको अब यहाँ पर मैंने दोबारा से वेरीफाई करने की कोशिश की है ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इसमें। नाउ एवरीथिंग वाज टॉक्ड अबाउट अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अ सिस्टम दैट हेल्प्स यू टू मेंटेन योर रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर का दौर है, एवरीबडी इज मेंटेनिंग देयर ओन रिकॉर्ड्स ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाई द डिफरेंट कंपनीज। आपके पास सैप है, सॉस है, आपको IBM सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करके दे रहा है, आपके पास जिस तरह क्विक बुक है या इस तरह के सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के मौजूद हैं, दे आर प्रोवाइडिंग यू द इंफॉर्मेशन। नाउ इफ यू गो ऑन द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, you have to record some accounts which are very important, aapne unko khud maintain karna hai, wo kaise maintain karte hain aap, aapko at least idea hona chahiye ki aap koi manual system kar rahe hain, kyunki hamara ek basic level hai aur basic level mein aapke paas ye sari ki sari information aapne khud maintain karni hoti hai, aapne padha, you have gone through the rules of debit and credit, although you don't need to do anything. Hum apne upcoming jo slides hain, lectures hain, unme padhenge ke computerized system kaise hota hai. We have gone through about the rules of debit and credit, assets ke liye kya hote hain, expenses ke liye kya hote hain, then what are the rules of debit and credit for liabilities, owners equity and revenue, क्योंकि एक डायरेक्शन में चलती हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। देन वी डेवलप्ड अवर लेजर्स, अब लेजर्स किस तरह से बनते हैं, इनके लिए भी अलग से हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड वी हैव गॉन थ्रू अब थ्रू द लेजर्स। ये जो काम कर रहे हैं, दिस इज ए मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, बिकॉज दीज आर डन इन द बुक्स, प्रॉपर बुक्स, दीज आर नॉट डन इन द कंप्यूटराइज सिस्टम्स। As I told you that आपके पास SAP एक कंपनी है, एक आपके पास SOS कंपनी है, आपको पता होगा Oracle based एक आपके पास ये भी कंपनी है, IBM, अब उन्होंने कंप्यूटर्स बनाने छोड़ दिए हुए हैं, they have given to the Lenovo company,
Now, Lenovo is manufacturing the computers of IBM. अब IBM भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बना के दे रहे हैं, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बना के दिए जा रहे हैं। अब आप अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो आपके पास कंप्लीट अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, जिसमें आपके मतलब बिलियंस का डाटा मौजूद होता है। अब आपको मैंने ये एग्जांपल्स दी हैं, सैप, सॉस, ओरेकल, IBM, इसके अलावा पता नहीं कितनी अकाउंटिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बना के दे रही हैं। अगर आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़कर देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है कंसोलिडेटेड एनुअल रिपोर्ट, और उसके अंदर होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, जो हमने चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। अब वो कंसोलिडेटेड साथ लगा रहते हैं कि जितनी कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, अब मैनुअल डाटा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए अब सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं कि आपने सिंपल एक क्लिक किया और आपके पास सारे के सारे डाटा रिट्रीव हो जाता है। आपको इनकम स्टेटमेंट चाहिए, आपने उसकी क्यूरी लगाई, इनकम स्टेटमेंट आपको मिल गई। आपको बैलेंस शीट चाहिए, आपने क्यूरी लगाई बैलेंस शीट की, नाउ बैलेंस शीट इज डिस्प्लेड ऑन योर मॉनिटर, आप अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, आपको क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं आपको कि आपने फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें एक एटीएम मशीन की, आप बैंक्स के बाहर लगी देखते हैं तो उसके अंदर भी आपका एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। आपने क्या किया, सिंपल आपने सिंपल कार्ड इंसर्ट किया, उसके ऊपर कोड लिखा, फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। दीज ऑप्शंस टेल यू व्हाट डू यू वांट। अब इन केस फॉर एग्जांपल यू हैव टू विदड्रॉ द मनी, आपने उसमें अमाउंट लिखी, फॉर एग्जांपल यू वांट टू विदड्रॉ 5,000 रुपीज, तो फिर क्या होगा, 5,000 आपके निकल आएंगे, आपके पास कैश आ चुकी है। अब बैंक ने उसकी दोनों एंट्रीज की हैं, वो क्या एंट्रीज थी, एक उसकी लायबिलिटी कम हुई है बैंक की। अब फॉर एग्जांपल आई एम अ बैंक और मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मुझसे कस्टमर्स ने कैश निकलवा ली। अब आपके पास बैंक के पास जो एक कस्टमर डिपॉजिट करवाता है तो वो बैंक की लायबिलिटी होती है, और उसके पास फिर जाहिर है कैश भी जा रहा है। अब थोड़ा सा मेमोराइज करें कि जो आप जनरल एंट्री करते थे, तो बीइंग ए बैंक जब आप डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, उनके पास कैश इंक्रीज हुआ, आपने फॉर एग्जांपल 5,000 डिपॉजिट करवाया था और उसका अकाउंट्स पेएबल 5,000 से क्रेडिट हो गया। ये बैंक कर रहा है कि उसकी लायबिलिटी है, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, शॉर्ट टर्म है तो वो शॉर्ट टर्म होगी, आपने करंट डिपॉजिट करवाया तो वो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन जाती है। ये बैंक की बिहाफ पे कर रहा हूं मैं। अब आपने वो 5,000 निकलवा लिए, तो बीइंग ए बैंक मैं उसकी जर्नल एंट्री क्या करूंगा, अकाउंट्स पेएबल खत्म 5,000 से और कैश चली गई है बैंक के पास से 5,000, आपने क्रेडिट कर दिया उसको। अब सिंपल आपने किया क्या है, एटीएम मशीन में आपने पिन कोड, क्योंकि वो सिक्योरिटी चेक है जो हमने इंटरनल कंट्रोल का पढ़ा है, कि आपने कोड लिखा कार्ड, अब कार्ड कोई और डालें, उसके ऊपर आप सिक्योरिटी जो कोड है वो कुछ और लिखें तो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। बैंक उस वक्त एक्सेप्ट करेगा कि जब आप कार्ड इंसर्ट करेंगे और उसी का ही पिन कोड लिखेंगे। जब आपने कार्ड इंसर्ट किया, अमाउंट निकलवा रहे हैं, तो सिंपल आपने अमाउंट लिखी और एंटर किया, आपको कुछ नहीं पता डेबिट और क्रेडिट का, लेकिन बीइंग ए बैंक मुझे पता है कि आपने जब डिपॉजिट करवाया था तो ये जनरल एंट्री होती है, जब विड्रॉ किया तो ये जनरल एंट्री होती है। ये आपकी जो सॉफ्टवेयर है जो आपकी एटीएम के अंदर पड़ा हुआ है वो खुद ब खुद इनको कर रहा है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। फिर उसी सॉफ्टवेयर ने जब आपने कैश डिपॉजिट करवाई थी बैंक के अंदर, बैंक के अंदर ये आपकी एसेट साइड पे चला गया था,
और ये अमाउंट आपकी लाइबिलिटी साइड पे चली गई थी। जब आपने कहा कि जी वी नीड टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप क्यूरी लगाते हैं और आपके पास सारा डाटा आ जाता है। आपने किया कुछ भी नहीं है, सिंपल एक कोड लिखा, कार्ड इंसर्ट किया और कैश विड्रॉ करवा ली, लेकिन बैक एंड पे क्या हो रहा है उस सॉफ्टवेयर में, ये सारे का सारा काम हो रहा है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट वट इज़ नाउ गोइंग ऑन, बिकॉज योर बिजनेस आर एक्सपेंडिंग, बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है उनकी, तो आपके पास मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम रखना मुश्किल है। अब आप वो उस तरह के बड़े बड़े खाते या बुक्स नहीं रख सकते हैं, अब सारे का सारा काम सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। नाउ वी जस्ट नीड टू नो के हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है आपका मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, आपको कैसे कैसे ये गाइड करता है कि आपके पास डिफरेंट क्रेडिटर्स हैं, डिफरेंट आपके पास डेटर्स हैं, उनको आपने कैसे मेंटेन रखना होता है। आपके फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा सप्लायर्स हैं तो क्या करेंगे आप, आपके पास बहुत ज्यादा आपके कस्टमर्स हैं और आप पर वो जो आपके से आपसे जो वो लोन पर चीज़ें परचेज करते हैं, बिकॉज वी नो अबाउट अक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम कि वो कैसे करते हैं, तो यू शुड नो अबाउट दैम। फिर आपने हर एक को सेपरेट मेंटेन करना है, आप एक लमसम अमाउंट नहीं लिख सकते, आपने हर एक का अलग से एक अकाउंट मेंटेन करना होता है। नाउ वी नीड टू गो ऑन द रनिंग बैलेंस मेथड ऑफ लेजर्स, क्योंकि आपने जो पहले टी अकाउंट पढ़ा था वो एक फिक्स्ड अकाउंटिंग सिस्टम था, दैट इज नॉट नो मोर यूज्ड, वो हमें पता होना चाहिए था, लेकिन आपका रनिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, वो आपके नॉर्मल अकाउंट को लेकर चलता है, उसमें से जो ही एंट्री आपने उसको एडजस्ट किया, जो ही एंट्री आप उसको एडजस्ट कर रहे होते, कोई भी एंट्री होती जाती आप उसको एडजस्ट करते जाते हैं, और यही आपका सिस्टम चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता है, कंटिन्यूसली चलता है आपका। नाउ I just gave you a brief information about what is running balance method of ledgers and how it is maintained and what is the format of running balance method of ledgers. वो आपका क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। Again, this is not just like a T account. ये आपका एक separate different style का होता है। This is your date column, date, then this is description, you can draw a line as you can make a highlight these titles. Now this is again your posting reference as we have already done. This shows you the journal entry where it has come from. Then this is your debit balance, this is your credit balance, and then this is your balance. Now we do not need to write it, either it is a debit or credit, or even you can write because you know the normal balances of your accounts. Now at this stage, for example, we do a cash account or cash account ledger, and we know that we have all the time this is a debit balance, तो फिर आप इसको हमेशा debit में लिखेंगे, यहाँ पर आपको balance में debit लिखने की ज़रूरत नहीं है, we just write a balance. अब कैसे कैसे ये काम करता रहेगा आप check करते जाएंगे कि अब कितना balance है, अब कितना balance है। For example, मैं start यहाँ से करता हूँ कि आपका ये cash balance है, और balance आपका for example जब आपने business start किया था 1 November को, आपके पास कैपिटल कैपिटल के थ्रू आया था, आपने 25,000 इन्वेस्ट किया था, एंड देन इट फाइनली वेंट इनटू बैलेंस ऑफ 25,000।
अब ये एक ही कॉलम आपको बता रहा है कि यू इन्वेस्टेड कैश एज ए कैपिटल इन योर बिजनेस ऑन 1 नवंबर. अब आपने 20,000 की फॉर एग्जांपल लैंड परचेज की थी और आपने ये परचेज की थी 2 नवंबर को. फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू एन सिमुलेटेड डाटा, सिमुलेशन है, सिर्फ आपका एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ मैं. दिस इज नॉट अ जनरल एंटी दैट वी हैव ऑलरेडी डन. इसमें डेट्स क्योंकि आगे पीछे हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें. सो आपने ये लैंड परचेज की, 20,000 आपने कैश पे की. अब आपके पास ये डेबिट में बैलेंस मौजूद है 25,000 का, लेकिन क्रेडिट आपकी कैश हो रही है. आपने जनरल एंट्री क्या की थी, आई शुड राइट अ जनरल एंट्री दैट यू परचेस्ड अ लैंड डेबिट एंड कैश क्रेडिट विद द 20,000. आपने ये जनरल एंट्री की, अब यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रही है, आपने क्रेडिट कर दिया 20,000 से. नाउ यू हैव अ बैलेंस 25,000 और 20,000 आपने क्रेडिट किया. नाउ द नेट बैलेंस इज एट दिस स्टेज 5,000. अब आपको अकाउंट्स क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम गुजारने की जरूरत नहीं है. आपने सिंपल क्या किया, आपने सिंपली जो टोटल आपका बैलेंस था उसमें से आप क्रेडिट फौरन माइनस करते गए करते गए. उसके बाद फिर आपने आपके पास एट द एंड आप चेक कर सकते हैं, जो ही टाइम गुजरता है आप चेक कर सकते हैं, बजाय कि आप महीना क्लोज हो, साल पीरियड, टाइम पीरियड जो क्लोज हो और उसके बाद आप चेक कर रहे हैं. एट दिस स्टेज यू कैन ईजिली चेक कि अब इस वक्त इस स्टेज तक आपके पास कितना कैश बैलेंस मौजूद है. ये आपको रनिंग बैलेंस मैथड लेजर्स का बताता है. नाउ आई शुड ऑल्सो गिव यू अनदर एग्जाम्पल. यू डू नॉट नीड टू राइट ड्रॉ अ लाइन. आप इसी तरह साथ साथ चलते रहें. फॉर एग्जाम्पल आपने एडिशनल को इन्वेस्टमेंट की, आपने इन्वेस्टमेंट की यहां पर फॉर एग्जाम्पल 3 नवंबर को. जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल. तो आपने कैपिटल लिखा यहां पे. और क्योंकि आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, ये भी डेबिट है, नॉर्मल बैलेंस भी आपका डेबिट मौजूद है, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 10,000. आपको इन सब का टोटल करने की जरूरत नहीं है. ये आप अगर टोटल करेंगे तो दैट वुड बी रॉन्ग. आप क्या कर रहे हैं, आप ये एंड बैलेंस देखेंगे कि आपका इस वक्त एंड बैलेंस कितना चल रहा है. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी 25,000 नाउ एट दिस स्टेज. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट 5,000 एट दिस स्टेज. यू आर जस्ट लुकिंग द फाइनल जर्नल एंट्री एंड द फाइनल बैलेंस. नाउ फाइनल बैलेंस इज योर 10,000. अब ये इसी तरह आपके जो रनिंग बैलेंस मेथड होता है वो चलता रहता है. यहाँ पर आप कोई डेबिट और क्रेडिट या अकाउंट फॉर्म नहीं बना रहे, कि जो आपने यहाँ पर एक अकाउंट फॉर्म बनाया था, टी अकाउंट था, कैश अकाउंट था आपका. इसमें यहाँ पर आप अमाउंट्स लिखते जा रहे थे, देन क्रेडिट साइड पर अमाउंट जो पे किया आपने वो लिखते जा रहे थे, फिर आप उसका बैलेंस निकाल रहे थे, बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो कर रहे थे. अब यहाँ पर आप सिंपल एक ही अकाउंट बनाया है और उसमें लिखते जा रहे हैं और उसका सारे का सारा बैलेंस आगे ट्रांसफर करते जा रहे हैं हम लोग. नाउ वी शुड आल्सो टेक अनदर अकाउंट विच हैज डिफरेंट बैलेंस. अब आपका नॉर्मल बैलेंस यहां पर एसेट्स का था, क्योंकि पार्ट ऑफ एसेट कैश था, तो कैश का आपने लिखा था. आपके यू कैन आल्सो यूज द अदर टाइप. वो आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने उसको कैसे करना है. इट शुड बी सेम द स्टाइल एज वी हैव ऑलरेडी डन. So it should be like first one, your maybe I could say revenue, fees revenue, because we all the time talking about fees revenue. Fees revenue account, then this is your date account, this is your description account, this is your posting reference account, your debit, your credit side and the balance. Now we should write the name of these titles, date, description, posting reference, then debit, credit and a balance.
Now, again, I am not writing what is the balance, because we could have some problem, we can put it in the braces. आप उसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे अगर आपको कहीं पे लॉस भी आ रहा है तो. अब हमेशा डेबिट ने पहले आना होता है, क्रेडिट ने बाद में आना होता है. इट डजंट मैटर कि आप उसको बाद में लिख रहे हैं, आपका जो बैलेंस होगा वही आपका आगे कैरी फॉरवर्ड होगा. अब फॉर एग्जांपल आपने फीस अर्न की कैश के अगेंस्ट, आपने फीस फॉर एग्जांपल 15 नवंबर को फीस अर्न की और कैश के अगेंस्ट की, आपने कैश के अगेंस्ट लिखा, कितनी अमाउंट अर्न की, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 अर्न की या आपने 10,000 लिख दिया और बैलेंस में भी आप इसको 10,000 ही ले गए. अब यहां पर आपको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिट, तो आप इसको क्रेडिट में लिख रहे हैं. देन एक और इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं. आपने फीस अर्न की फॉर एग्जांपल 20 नवंबर को और अकाउंट रिसीवेबल के थ्रू अर्न किए बिकॉज यू डिड नॉट रिसीव एनी कैश, तो आप यहां पर इसमें ऐड कर रहे हैं और द अमाउंट वाज 5,000. नाउ द बैलेंस इज योर 15,000. आपने इस अमाउंट को चेक करना है जब आप नेट बैलेंस देखेंगे. आपको दोनों साइड्स जमा करने की जरूरत नहीं है जो आप टी बैलेंस टी अकाउंट में या अकाउंट फॉर्म में आप चेक करते थे कि आपके पास डेबिट अलग है क्रेडिट की साइड अलग है. और यहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल साथ साथ ही ऐड माइनस ऐड माइनस ऐड माइनस करते जा रहे हैं. आपने पहले जो बैलेंस था उसका वो लिखा, उसके बाद उसमें जो और एडिशन हुई वो आपने लिख दी. अब वो सारे का सारा काम करते जा रहे हैं. अब आपने जब भी कोई बैलेंस चेक करना है दोनों साइड्स जमा करने की जरूरत नहीं है और एक ही अकाउंट बनाया और उसी में सारे का सारा काम कर रहे होते हैं आप लोग. सो आई होप नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू कि इसमें अगर कोई आपकी कोई डेबिट है और क्रेडिट की अकाउंट आ गया जिस तरह हमने पिछले में देखा था कैश में, तो वो आप कर रहे हैं. आपने फिर जो उसका नॉर्मल बैलेंस एसेट्स का था डेबिट होता है वो आपने डेबिट में ऐड किया, कोई क्रेडिट होता है तो उसमें से आप क्रेडिट करके उसको माइनस कर रहे होते हैं. सो यू हैव कंप्लीटेड बोथ टाइप्स ऑफ योर ट्रांजेक्शंस. फीस भी आपने चेक कर ली, कैश भी चेक कर लिया. अब इसी तरह ही आपके कंटिन्यूसली चलते जाएंगे. फॉर एग्जांपल आपने 30 नवंबर को, अब इसका फायदा ये होता है इस तरह के अकाउंट्स बनाने का कि आपके अगर एडजस्टमेंट्स भी आती हैं तो वो साथ साथ चलती रहती हैं. अब अगर आपने फॉर एग्जांपल अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था और नॉर्मल आपने जो लेजर्स बनाए थे उसमें आपने सबका टोटल किया, उसको आपने ट्रांसफर किया, अब फिर आपने उसमें एडिशन करनी होती है नए सिरे से. अब इस केस में आपने कोई एडजस्टमेंट की है, अगर आपको याद हो आपने रेवेन्यू और अर्न किया था 500 का और उसको आपने अपने अकाउंट्स में लिखा नहीं था और हमने कहा था कि वी हैव अर्नड अ फीस ऑफ रुपीज 500 बट इट वाज नॉट येट बिल्ड. अब उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, आपके पास एंडिंग बैलेंस मौजूद है उसमें आप उसको ऐड कर दें. वो क्या था, आपका अकाउंट रिसीवेबल आपने जनरल एंट्री की, 500 आपने अर्न किया. नाउ यू कैन ऐड 500 इनटू योर लास्ट बैलेंस विच इज योर 15,000. ये अमाउंट आपकी पहले ही ट्रायल बैलेंस में जा चुकी है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में. लेकिन जब आपने कहा कि जी वी नीड टू मेक सम एडजस्टमेंट्स, तो आपने एक और ऐड कर दी. नाउ यू कैन ऐड 500 बिकॉज दिस इज ऑल्सो क्रेडिट, दिस 500 इज ऑल्सो क्रेडिट, सो बोथ साइड्स आर नाउ 15,500. आपको नए सिरे से दोनों साइड्स ऐड नहीं करनी पड़ी, फिर आपको बैलेंस नहीं निकालने पड़े. सो दैट इज वाई नॉर्मली द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज रनिंग बैलेंस मेथड्स ऑफ योर लेजर्स. अब आपके पास जो बैलेंस है, जो नेट बैलेंस है, आपने कहीं पे कोई कटिंग नहीं की है, सिंपल आपने जो नेट बैलेंस था, क्योंकि ये बैलेंस आपका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में गया, नाउ दिस बैलेंस वी वुड गो इन द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. अगर इसके बाद कोई और भी ट्रांजेक्शन आ जाती है तो यू कैन ऐड इन दिस अमाउंट.
अभी आपको आई होप के इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि हाउ द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द रनिंग बैलेंस मेथड्स ऑफ ऑल द लेजर्स एंड नॉर्मली एज आई टोल्ड यू दैट दीज अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि उनको साथ साथ पता चलता रहता है, बजाय कि आप अपने एम्प्लॉय को कहेंगे यार नाउ टेल मी द कैश बैलेंस, तो वो आपको कहेंगे कि जी फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट बोथ साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट, देन वी सी दैट व्हाट इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन बोथ, दरमियान में कितना फ़र्क आ रहा है, कितना बैलेंस आपका मौजूद है, पहले डेबिट साइड ऐड करेगा फिर क्रेडिट साइड ऐड करेगा और फिर उसमें से वो माइनस करने के बाद बताएगा। अब आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, इवन यू आस्क फ्रॉम द एम्प्लॉई दैट व्हाट इज नाउ द अमाउंट वी हैव अर्न्ड फ्रॉम अवर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस, तो वो फौरन ही रनिंग बैलेंस मेथड देखेगा और कहेगा सर वी हैव नाउ एट दिस स्टेज अर्न्ड अप टू अमाउंट ऑफ 15,500, कोई डेबिट ऐड नहीं कर रहा, कोई क्रेडिट ऐड नहीं कर रहा, कोई दरमियान में से बैलेंस नहीं निकाल रहा, सिंपल आपको फाइनल बैलेंस बता रहा है कि सर हमारे पास इतनी अमाउंट इस वक्त बैलेंस में मौजूद है, इतनी अमाउंट हमारी बैलेंस में मौजूद है। आप अगर बैंक की स्टेटमेंट्स देखें जो आपके अक्सर घर में आपके फादर की आती हों, तो उसमें साथ साथ अमाउंट प्लस माइनस हुई होती है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, नाउ व्हाट इज बैलेंस एट दिस स्टेज। तो सेम वो रनिंग बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं कि बताते हैं कि पहले इतनी अमाउंट थी उसमें से इतने माइनस किए, ये नहीं है होगा कि आपकी एक साइड उन्होंने ऐड की फिर दूसरी ऐड की उसमें से देखा कि बैलेंस कितना अब आपका है। आप देखेंगे यू हैव डिपॉजिटेड दिस अमाउंट, यू हैव विदड्रॉल दिस अमाउंट, नाउ यू हैव दिस अमाउंट द बैलेंस ऑफ योर डिपॉजिट, देन आपने एक और जनरल आपने एक और विदड्रॉल किया था उसके बाद अब इतनी अमाउंट मौजूद, आपने इतना डिपॉजिट किया था तो फिर आपकी अमाउंट यहाँ पर पहुँच गई थी, देन यू विड्रॉ दैट अमाउंट, तो आपकी प्लस माइनस चलती रहती है और आपके जो रनिंग बैलेंसेज है वो भी चलते रहते हैं। सो दैट इज़ यूज्ड ऑल द टाइम इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे वी आर नॉट सपोज टू यूज दिस टी अकाउंट और लेजर बैलेंस, हम हमेशा रनिंग बैलेंस मेथड यूज़ करेंगे। अगर इन केस आपको क्वेश्चन भी आता है इससे रेलेवेंट एग्जाम में, तो यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन थ्रू रनिंग बैलेंस मेथड। आपने जो टी अकाउंट था या अकाउंट फॉर्म में एक में डेबिट और दूसरा क्रेडिट, वो नहीं आपने यूज़ करना है, आपने यूज़ करना है जिसमें आपके पास रनिंग बैलेंस मेथड हो, और वहीं से ही आप कंटिन्यू करेंगे जब आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। So I hope that this is now understandable for you. We have done with the two examples. One was the cash account, जिसमें आपके पास debit भी involved हुआ, credit भी involved हुआ. Fees, इसमें आपके पास हमने तीन transactions की हैं जिसमें आपके पास ये accounts आए और कैसे कैसे वो साथ साथ add होते गए। आपने अब सबको add नहीं करना कि सबको add करें, ये amount भी add करें और फिर दूसरी side भी add करें, you are not doing like this. आपने सिंपल एंडिंग बैलेंस लेने हैं, एंड इफ एनीबडी आस्क यू दैट व्हाट इज नाउ द बैलेंस, बैलेंस कितना है आपका, तो यू डायरेक्टली से दैट वी हैव अ बैलेंस ऑफ 15,500। सो आई होप दैट नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, रनिंग बैलेंस मेथड ऑफ लेजर्स, के आपने लेजर्स कैसे बनाने होते हैं। अब आपको पता है कि उनके नॉर्मल बैलेंसेज क्या होते हैं, तो आप उनको ईजिली यहाँ पर बैलेंस में लिख के प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेबिट डेबिट में ऐड होता है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस होता है, सेम क्रेडिट क्रेडिट में ऐड होता है और क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो जाता है, तो फिर आपके पास नेट बैलेंसेस चल रहे होते हैं। सो वी हैव डन अप टू दिस स्टेज अबाउट द रनिंग बैलेंस मेथड। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट इट कि वी टॉक्ड मैनी टाइम्स अबाउट अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेएबल एंड वी राइट अ लमसम अमाउंट विद अ कंप्लीट कॉमन नेम ऑफ अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट पेएबल। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर विद द अकाउंट्स रिसीवेबल, आपके पास ये अकाउंट है, तो ये किसका अकाउंट है वी डोंट नो, हमने किन किन लोगों से पैसे लेने हैं वी डोंट नो। एक आपके पास एक लमसम अमाउंट मौजूद है, एक टोटल अमाउंट मौजूद है कि जी हमने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीस लोगों से लेना है, अवर कस्टमर्स हैव टू पे
10,000 rupees लम सम अमाउंट, उसमें से कोई ऐसा कस्टमर है जिसने 2,000 देना होगा, वी डोंट नो। अगर है भी तो हमें वापस जनरल एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस में जाकर देखना पड़ेगा, बट एट दिस स्टेज वी डू नॉट नो अबाउट कि आपके पास कौन सा मेथड है, कौन पर्सन है आपका, कि किससे आपने रिसीव करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास आपका एक कस्टमर है इमरान, एंड यू हैव टू रिसीव 2,000 rupees फ्रॉम मिस्टर इमरान। नाउ यू हैव ऑल्सो मिस्टर नवीद, यू हैव टू रिसीव 3,000 rupees फ्रॉम दैट पर्सन। अनदर वन यू हैव थर्ड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मे बी सफदर, एंड यू हैव टू रिसीव 1,000 rupees फ्रॉम मिस्टर सफदर। Now up to this stage, this tells you that you have to receive 6,000 rupees from three people. But you have another important customer, Mr. Zohaib. And you have to receive 4,000 rupees from this person. And the total amount is your 10,000. अब आप अगर चेक करना चाहें कि किस कस्टमर से आपने कितना पैसा लेना है, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू सेंड अ लेटर टू मिस्टर इमरान दैट यू जस्ट से कि आपने हमें पैसे देने, वो आपसे पूछता है कि कितने पैसे देने, यू जस्ट गो बैक, मैं ऑफिस में जाऊंगा और आपको फिर जाकर बताऊंगा कि आपने कितने पेमेंट करनी है, ये आपको खुद याद होना चाहिए। This is very difficult and this is also irritating. Naveed आपको मिलता है या आपने Naveed को फोन किया कि your due date is now over, you have to pay 3,000 rupees to me. अब आपने उसको amount बताई, लेकिन अगर आपके सामने accounts ना होते तो how would you tell? आप कैसे search करते, आप journal entry देखते जाके, क्योंकि आपने लेजर्स में तो एक क्यूमुलेटिव अमाउंट लिखी, अकाउंट रिसीवेबल का आपका लेजर था और उसमें आपने एज इट इज अमाउंट लिख दी है। देन सफदर, फॉर एग्जांपल दिस इज अनइम्पॉर्टेंट, नॉट एज इंपॉर्टेंट एज मिस्टर जुहेब। सफदर से आपने 1,000 लेना है, जुहेब से आपने 4,000, दिस इज अ 40% ऑफ योर टोटल रिसीवेबल्स एंड दिस कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू and you have to remind him many times maybe। ये तो मैंने amounts बड़ी छोटी ली है ना, जब आपका business expand होता है तो ये 4,000 से 40,000 पे चली जाएगी amount, 50,000 पे चली जाएगी, जूं जूं आपका business बढ़ेगा, क्योंकि आपके close relationship चलते हैं और business में हमेशा आपके accrual basis ही चलता है। So when you say के आपने मिस्टर जुहेब को रिमाइंड करवाना है कि योर ड्यू डेट इज ओवर एंड यू हैव टू पे 4,000 rupees, तो फिर आप जनरल एंट्री में जाएंगे, जाके चेक करेंगे, बिकॉज यू हैव अकाउंट रिसीवेबल लमसम अमाउंट 10,000 इन योर लेजर अकाउंट्स। नाउ आपके पास ये सिनेरियो होना चाहिए कि आपके पास सिनेरियो ये है कि आपके पास फोर कस्टमर्स हैं, उनसे आपने अमाउंट रिसीव करनी है, लेकिन आपको टोटल अमाउंट पता है कि आपने 10,000 रिसीव करनी है, अमाउंट इज योर 10,000। आपने इस बात को पहले जहन में रखना है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे। ये तो बात कर रहा हूं मैं आपके अकाउंट रिसीवेबल्स की। नाउ वी हैव आल्सो अकाउंट्स पेएबल। यू हैव नॉट ओनली वन सप्लायर ऑफ योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, आपने सप्लाईज परचेज की हैं एक बंदे से, फिर दूसरे सप्लायर से आपने परचेज किए हैं, तीसरे सप्लायर से परचेज किए हैं, यू हैव मैनी मोर सप्लायर्स, लेकिन आपको अमाउंट बताई जा रही है कि आपने पेमेंट करनी है 5,000 की सिर्फ, बट यू डू नॉट नो हाउ मैनी सप्लायर्स आर देयर, हाउ मैनी पीपल टू होम यू हैव टू पे द मनी, आपके कौन कौन से लोग हैं जिनको जितनी जितनी अमाउंट्स पे करनी है आपने। यू नो आपको ये तो पता है, क्या आप फिर जनरल एंट्रीज में जाके चेक करेंगे, क्योंकि लेजर्स में तो आपको एक कंप्लीट अमाउंट लिखी होगी, तो फिर क्या करेंगे आप।
फॉर एग्जाम्पल आपने मे बी मिस्टर सुहेल सुहेल आपने इसको पेमेंट करनी हो 1000 की, आपके पास एक और कस्टमर है, आपका एक और सप्लायर है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अगेन मिस्टर शामिल, आपने उसको 2000 पे करना है, मिस्टर समीर आपने उसको 2000 पे करना है। अब आपके पास यहां पर तीन सप्लायर्स हैं जिनको आपने सेपरेट अमाउंट पे करनी है 1000 2000 2000, अमाउंट इज टोटल योर 5000। अब आप पे करने के लिए जाते हैं किसी को तो यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन दैट दिस 2000 बिलोंग्स टू मिस्टर शामिल, दिस 2000 बिलोंग्स टू मिस्टर समीर एंड दिस 1000 बिलोंग्स टू मिस्टर सुहेल। लेकिन आपके पास आपके लेजर्स में एक बैलेंस मौजूद है पेमेंट का, दैट इज ओनली 5000। बाई नेम हर एक का आपके पास लेजर मौजूद नहीं है। यू हैव अकाउंट रिसीवेबल लेजर अ बैलेंस ऑफ 10000 बट यू डोंट नो व्हाट इज अ टोटल बैलेंस ऑफ, व्हाट इज अ बैलेंस ऑफ मिस्टर इमरान, मिस्टर नवीद, मिस्टर सफदर, मिस्टर जुहेब। हाउ मच मनी यू हैव टू पे दीज पीपल, यू हैव टू रिसीव फ्रॉम दीज पीपल, वेयर एज मिस्टर सुहेल यू हैव टू पे हिम 1000, यू डोंट नो बिकॉज यू हैव अ नेट बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल फ्रॉम योर लेजर अकाउंट्स 5000। आपके पास ये चार अलग अलग लोग हैं अकाउंट रिसीवेबल में जिनसे आपने रिसीव करना है, आपके पास तीन अलग अलग लोग हैं जो आपके पेबल्स हैं जिनको आपने पे करना है, उनके अमाउंट्स भी डिफरेंट हैं। नाउ कीपिंग दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो को जहन में रखें, उसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज अ स्पेशल जर्नल, उस सिनेरियो को सामने रखना है आपने और फिर आप नेक्स्ट चलेंगे। फर्स्ट वन इज योर स्पेशल जर्नल, वन इज योर जनरल जर्नल, द अदर इज योर स्पेशल जर्नल। सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ जर्नल्स, जब आप जर्नल एंट्रीज करते हैं तो आपके पास दो तरह के जर्नल्स होते हैं, वन इज योर स्पेशल जर्नल, द अदर वन इज योर जनरल जर्नल, जहां पर अपनी आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। वी ऑल द टाइम डिस्कस्ड अबाउट जनरल जर्नल, हमने स्पेशल जर्नल की बात नहीं की है। आपके पास सिंपल एक जर्नल जर्नल चल रहा था, उसकी आप बात करते रहें और उसी के ऊपर आपने काम किए, लेकिन स्पेशल जर्नल हमेशा आपका डिफरेंट अकाउंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शंस आपकी चल रही होती हैं, आप पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ये आपके चार बेसिक अकाउंट्स होते हैं कि जिनको आपने बहुत ज़्यादा मेंटेन करना होता है, क्योंकि आपके पास कैपिटल कितनी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी आपकी, 3 4 5 6 हार्डली 10 ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी आपकी। आपके पास ड्राइंग्स हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस होंगी, पिछली एग्जांपल्स अगर हम लें तो वी जस्ट डिड ओनली 2 ट्रांजैक्शंस 2000 2000 अमाउंट्स। आपके पास एक्सपेंसेस कितनी हो जाएंगी, 6 7 ट्रांजैक्शंस करते जा रहे हैं आप लोग, तो आपके पास स्पेशल जर्नल ऐसी चीजें बताता है, स्पेशल जर्नल्स इन अकाउंट्स के लिए आपने बनाना होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी ट्रांजैक्शंस यूज़ की गई हो। नाउ स्पेशल जर्नल कंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री अदर देन जनरल जर्नल दैट आर डिजाइंड फॉर रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब वो कौन सी स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं आपकी, स्पेसिफिक टाइप्स आपने रिकॉर्ड आपने डिजाइन किया होता है रिकॉर्ड करने के लिए वो स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन विद अ सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर मींस के दे आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, आपने बार बार उनको करना होता है ट्रांजैक्शंस को। अब आपके पास सेल्स जर्नल है, आपने स्पेशल इसके लिए एक जर्नल बनाया, बजाय कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रूटीन में सारे करते रहे, कैश इन्वेस्ट की, लैंड परचेज की, आपने सप्लाईज परचेज की, आप कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, नो दीज जर्नल्स आर मेंटेन्ड स्पेशली। आप बनाएंगे स्पेशल जर्नल।
स्पेशल जर्नल किसका बना रहे हैं आप? आप सेल्स का बना रहे हैं, आपके पास वही डेबिट क्रेडिट का रूल आपने अप्लाई करना है और इसके लिए बनाते जा रहे हैं। अब सारी ट्रांजैक्शन जो आपकी सेल से रिलेटेड होंगी इस स्पेशल जर्नल में आएंगी। आपके पास नेक्स्ट इज परचेज जर्नल, सेम आपने सेल्स की जगह यहां पर आप एक और अकाउंट बनाएंगे परचेज जर्नल का, वो आपकी जितनी भी रेलेवेंट होंगी परचेज से वो सारी की सारी उसमें आती जाएंगी, क्योंकि इनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। बाकी जितने अकाउंट्स मैंने बताए उनकी इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस है नहीं, आप बार बार परचेज कर रहे हैं, बार बार सेल्स कर रहे हैं आप, तो इसलिए आप इसके लिए एक स्पेशल जर्नल बना देते हैं। वो आपके नॉर्मल जर्नल जर्नल से अलग होता है, क्योंकि जर्नल जर्नल में आपके पास अकाउंट्स बहुत कम यूज किए हुए होते हैं, इसमें आपके पास अकाउंट्स बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से आप इनको सेपरेट ही रखते हैं कि जितनी भी रेवेन्यूज की जितनी भी सेल्स होंगी सारी इसमें रिकॉर्ड करते जाए, जितनी भी आपकी परचेजेस होंगी सारी इसमें रिकॉर्ड करते जाए। फिर आपके पास कैश रिसीट जर्नल, आपने देखा होगा जितनी हमने एग्जांपल्स ली थी, वी हैव यूज्ड अ वेरी बिगर लेजर अकाउंट फॉर कैश, क्योंकि हर एक चीज में कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैश आ रही है जा रही है, कैश का इनफ्लो है आउटफ्लो है, इनफ्लो है आउटफ्लो है, आप कॉन्टिन्यूसली ये सारे का सारा काम कर रहे होते हैं। सो दैट इज वाई यू मेक अ स्पेशल जर्नल फॉर योर कैश रिसीट जर्नल, कि आपकी जितनी रिसीट्स होंगी सारी की सारी उसी जर्नल में रिकॉर्ड होंगी, जो आप एक जर्नल जर्नल बना रहे हैं वो आपका जर्नल जर्नल नहीं होगा, स्पेशल जर्नल फॉर योर कैश रिसीट्स होगा, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शंस कैश की बहुत ज्यादा होती हैं। देन यू मेक कैश डिसबर्समेंट जर्नल, कि आपकी पेमेंट्स भी कैश की कंटिन्यूसली चल रही होती है, जाहिर है जब आप परचेज करते हैं तो आप पे भी इसी तरह कर रहे होते हैं, पे करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, आपने परचेजेस की क्योंकि आपके ये अकाउंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे होते हैं। आप जब सेल्स करते हैं तो आपके पास कैश की रिसीट्स आ रही होती हैं, जब आप परचेज कर रहे होते हैं तो आपकी पेमेंट्स हो रही होती हैं, आप कैश पे कर रहे होते हैं। तो ये आपके चार बेसिक अकाउंट्स हैं कि जिसमें आप स्पेशल जर्नल्स यूज करते हैं, इनके स्पेशल आप जर्नल कॉलम्स बनाते हैं। अब कैश का है तो वो कैश का कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कैश में आपके पास दो जर्नल्स बनेंगे, एक रिसीट और एक पेमेंट्स, आप रिसीट का अलग बना रहे हैं पेमेंट्स का अलग बना रहे हैं, ये दो स्पेशल जर्नल्स हो गए। फिर आपके पास सेल्स, सेल्स का अलग से जर्नल बन रहा है, जितनी भी सेल्स हो रही हैं सारी की सारी उस आप जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो आपकी मैं ये आपकी जो फर्स्ट फेज होता है, अब आपने जर्नल जर्नल से उसको अलग कर दिया क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शंस बहुत कम थी, इनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने इसको अलग से ही कर लिया बिल्कुल, और इसी तरह आपकी परचेज का जर्नल अलग बनेगा। तो आपके यहाँ पर बेसिक चार स्पेशल जर्नल्स बनते हैं, जर्नल जर्नल ही, लेकिन आपने इनको नाम स्पेशल जर्नल का इसलिए दे दिया कि आप इनको सेपरेट रख के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं इनकी। नाउ आई होप के नाउ यू कैन अंडरस्टैंड फॉर व्हाट पर्पस यू यूज स्पेशल जर्नल रादर देन सेइंग के जर्नल जर्नल। जितनी भी आपने जर्नल एंट्रीज की थी वो रिकॉर्ड करते जा रहे थे, लेकिन अब आपके पास क्योंकि इनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं चार अकाउंट्स की, तो इनके जर्नल भी अलग से बना रहे हैं। अब फिर आपको उन अकाउंट्स में से फाइंड आउट करने की डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास परचेज का जर्नल अलग है, परचेज से रेलेवेंट जितना भी डाटा होगा वो सारा उसमें लिखा जाएगा, जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो उसमें लिखी जाएंगी, सेल्स से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो सेल्स जर्नल में लिखी जाएंगी, कैश रिसीट जर्नल से रेलेवेंट कैश से रिलेटेड जो आपकी रिसीट्स हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो सारी सारी इसमें लिखी जाएंगी, और कैश डिसबर्समेंट या कैश पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी वो इस स्पेशल जर्नल में इनकी जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे। नाउ व्हाट इज सब्सिडरी लेजर, कमिंग बैक टू अगेन माय एग्जांपल ऑफ अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल, यू मेक सब्सिडरी लेजर्स, आप इनके अलग से सब्सिडरी लेजर्स बनाते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने किस पर्सन से कितनी अमाउंट रिसीव करनी है। चार लोग हैं तो आपके चार लोगों के अलग से लेजर्स बनेंगे, क्योंकि आपकी कंटिन्यूसली उनसे रिसीट्स आपका बिजनेस चल रहा है, तो आपने उस बंदे का अलग से ही एक लेजर बना दिया, आपने मिस्टर इमरान का लेजर ही अलग से बना दिया,
आपने जो सेकंड पर्सन था, थर्ड पर्सन था, फोर्थ कस्टमर था आपका, आपने हर एक का सेपरेट लेजर बना दिया, फिर उनके टोटल बैलेंसेस को आप फाइनली ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपने जो मेन लेजर में। जब आपने मेन लेजर्स में डाटा लेके गए, उससे पहले जितने भी लोगों के आपने जो लेजर्स बनाए हैं, दे आर कॉल्ड सब्सिडरी लेजर्स, सब्सिडरी लेजर्स फॉर रिसीवेबल्स। इसी तरह इसका बिल्कुल उलट, जो आपके पेबल्स हैं, जिनको आपने पेमेंट करनी है, अब एग्जांपल में हमने ली थी तीन लोग हैं जिनका आपने पेमेंट करनी थी, आपके पास उसमें सुहेल था, शामिल था, समीर, मिस्टर समीर था, आप कंटिन्यूसली उससे परचेज करते हैं, तो फिर आपने उसके लिए अलग से हर तीनों बंदों के अलग से तीन लेजर्स बना लिए, बजाय इसके कि अकाउंट पेबल का एक कंप्लीट लेजर बनाते, आपने तीन लोगों के लेजर्स बना दिए, उन तीन लोगों का फाइनल बैलेंस फिर आपके मेन लेजर में ट्रांसफर होगा। वो जो तीन लोगों के बैलेंसेज हैं, लेजर्स हैं, वो आपके सब्सिडरी लेजर्स कहलाते हैं। नाउ अ सब्सिडरी लेजर इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर अकाउंट्स, सिमिलर अकाउंट्स मीन्स कि आपके रिसीवेबल्स या पेएबल्स, एक बंदे का रिसीवेबल, दूसरे का रिसीवेबल, तीसरे का रिसीवेबल, चौथे का रिसीवेबल, सिमिलर अकाउंट्स में, पेबल्स में आपके पास सोहेल आपने उसको पे करना है, आपका शामिल उसको पे करना है, आपका जो मिस्टर समीर था उसको पे करना है, तो ये भी आपके सिमिलर अकाउंट्स हैं, पेबल्स है ना, तो पेबल्स के आपके सिमिलर अकाउंट्स चल रहे हैं। हुज कंबाइंड बैलेंसेस इक्वल्स द बैलेंसेस इन अ स्पेसिफिक जनरल लेजर अकाउंट्स, then the general ledger accounts that summarizes a subsidiary ledger account balance is a called control account or a master account ya master ledger account kya ke aapke jitne bhi balances honge wo balance aapka kitna tha ek se aapne receive karna tha 2000 ye receivables accounts receivable ki baat kar raha hu dusre se aapne receive karna tha 3000 teesre se 1000 aur chauthe se aapne 4000 receive karna tha ये जो 10,000 आपकी टोटल अमाउंट थी ये आपकी बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है मेन लेजर अकाउंट में, मेन कंट्रोल अकाउंट में, या जिसको आप मेन मास्टर अकाउंट बोल रहे हैं या लेजर बोल रहे हैं, मास्टर अकाउंट इसको आप यहां पर लिख सकते हैं, लेजर्स भी। सो आपके सब्सिडरी लेजर्स बनेंगे हर एक पर्सन के सेपरेट अकाउंट से, और फिर उनके नॉर्मल बैलेंसेस ट्रांसफर होंगे कंट्रोल अकाउंट में या मेन लेजर अकाउंट में। अब ये 10,000 आपका मेन कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह आपके जो अकाउंट्स पेएबल था, अकाउंट्स पेएबल में आपके पास 1,000, 2,000 का बैलेंस, 2,000 का बैलेंस, ये टोटल आपका 5,000 का बैलेंस, दैट वुड बी ट्रांसफर्ड इन टू द कंट्रोल अकाउंट या मेन लेजर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आप सब्सिडरी लेजर में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने ये 1000 किस पर्सन का देना है, 2000 किस पर्सन का देना है, और ये 2000 किस पर्सन का देना है आपने। सो सब्सिडी लेजर्स आपके मेन लेजर्स के एक स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं जो हर एक का सेपरेट डाटा बता रहे होते हैं। आपके अगर 10 पेएबल्स हैं तो 10 पेएबल्स मुख्तलिफ लोग हैं, तो उनका आपने 10 मुख्तलिफ लोगों का आपने लेजर बनाना होगा और उनके बैलेंसेस ट्रांसफर करने होंगे आपने मेन कंट्रोल अकाउंट में या कंट्रोल लेजर्स में। सेम इसी तरह आपके रिसीवेबल्स अगर 20 हो जाते हैं लोग, मुख्तलिफ लोग, तो आपने 20 लोगों के सब्सिडी लेजर्स बनाने होंगे और उनके नेट बैलेंसेस आपने ट्रांसफर करने होंगे मेन कंट्रोल लेजर अकाउंट में, जिसको आप अकाउंट रिसीवेबल लेजर अकाउंट बोलेंगे। लेकिन बाकी सब्सिडी लेजर्स उनके नाम से बुलाए जाएंगे, मिस्टर जोहेब के नाम से बनाया जाएगा, मिस्टर इमरान के नाम से बनाया जाएगा, मिस्टर सफदर के नाम से बनाया जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आपके रिसीवेबल्स हैं या पेएबल्स हैं। आपने साथ लिखना है कि रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर जोहेब, रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर इमरान, रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर जोहेब, पेएबल्स टू मिस्टर शामिल, पेएबल टू मिस्टर सुहेल, पेएबल टू मिस्टर समीर। अब हर एक के नाम का अलग से बन रहा है। अब उसमें वो बंदा कई दफ़ा ट्रांजेक्शन करेगा तो सारी उसमें रिकॉर्ड होंगी, वो बंदा कई दफ़ा ट्रांजेक्शन करेगा तो उसमें रिकॉर्ड होंगी। देन अ सब्सिडी लेजर अकाउंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द जनरल लेजर, क्योंकि ये स्पेशल जर्नल्स हैं, स्पेशल लेजर्स बनेंगे इनके। जिस तरह आपने स्पेशल जर्नल बनाया था
तो इसी तरह आपके स्पेशल लेजर्स भी होंगे, दे आर सप्लीमेंटेड अकाउंट्स एंड दैट प्रोवाइड द डिटेल टू सपोर्ट द बैलेंस इन अ कंट्रोल अकाउंट। अब आपके पास ये बैलेंस है, आपके पास ये बैलेंस है, ये आपके जर्नल लेजर्स में नहीं, अब आपके वो स्पेशल लेजर्स भी होंगे। जिस तरह आपका स्पेशल जर्नल था, इसी तरह आपका स्पेशल लेजर भी होगा। फर्क नहीं होता, नाम का फर्क है, लेकिन सिर्फ दरमियान में आप उसको चला इस तरीके से रहें। और इनके जो बैलेंसेज हैं वो आपके एट द एंड ऑफ पीरियड होते हैं, क्योंकि इनमें आपकी कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन चल रही होती हैं। नाउ दिस इज अ ब्रीफ स्लाइड अबाउट अ जनरल लेजर एंड अ सब्सिडरी लेजर। नाउ यू कैन सी दिस इज अ जनरल लेजर एरिया एंड दिस इज अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर्स। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं हम, वी स्टार्ट फ्रॉम द अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर एंड यू कैन सी हेयर इज अ कस्टमर ए, मिस्टर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी। यू हैव नाउ फोर कस्टमर्स एंड वी हैड मेड फोर सेपरेट सब्सिडरी लेजर्स। हर एक का बैलेंस, डेबिट है डेबिट में, क्रेडिट है क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट है बी का डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट है क्रेडिट में लिखेंगे, सेम विद द सी एंड डी, ई एफ जी एच, जितने भी आपके कस्टमर्स होंगे हर एक का सब्सिडरी लेजर बनेगा। और इसका मेन अकाउंट शिफ्ट होगा, जो नेट बैलेंसेस हैं सबके वो शिफ्ट हो जाएंगे आपके अकाउंट रिसीवेबल लेजर में। अब ये आपके अकाउंट रिसीवेबल आपने बनाया और इसके अकाउंट्स जा रहे हैं कहाँ कहाँ पे, किस किस से आपने रिसीव करना है, आपके सब्सिडरी लेजर्स बता रहे हैं आपको कि आपने रिसीव करना है मिस्टर ए से, आपने रिसीव करना है मिस्टर बी से, सी से, डी से। सेम विद द केस ऑफ अकाउंट्स पेएबल सब्सिडरी लेजर्स। नाउ लुक एट अकाउंट्स पेएबल जनरल जनरल, यू कैन सी सब्सिडरी लेजर ऑफ मिस्टर ए, बी, सी, डी। इट मीन्स यू हैव टू पे टू फोर पीपल एंड यू हैव मेंटेन्ड देयर फोर सेपरेट सब्सिडरी लेजर्स। यू हैव टू पे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, यू हैव टू पे मिस्टर बी, यू हैव टू पे मिस्टर सी, यू हैव टू पे मिस्टर डी। आपने अब यहाँ पर सब्सिडी लेजर्स में चेक कर सकते हैं कि किस बंदे को, किस आपने क्रेडिटर को कितनी अमाउंट पे करनी है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट वाई वी आर मेकिंग सब्सिडी लेजर्स, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो द डिटेल्स ऑफ अबाउट अवर रिसीवेबल्स, किन किन से लोगों से लेना है, एंड डिटेल्स अबाउट द पेएबल्स के किन किन लोगों को हमने पे करना होता है, इसलिए हम इनके सब्सिडी लेजर्स बनाते हैं। देन स्पेशल जर्नल्स आप बनाते हैं, सेलिंग का आप बनाते हैं, प्रोवाइड सर्विसेज ऑन अकाउंट एंड यू रिकॉर्ड इन रेवेन्यू जर्नल, ये आपका स्पेशल जर्नल है। स्पेशल जर्नल में आपने रिकॉर्ड कर दिया, रेवेन्यू जर्नल है आपका। देन रिसीट्स ऑफ कैश फ्रॉम एनी अदर सोर्स, आपको कैश कहीं से भी मिली है आपने रिकॉर्ड किया उसको कैश रिसीट्स जर्नल में, रिकॉर्डेड इन कैश रिसीट जर्नल। आपके पास अब यहां पर सेलिंग के स्पेशल जर्नल्स बन रहे हैं। देन बाइंग के आपके पास परचेज ऑफ आइटम ऑन अकाउंट्स, आप क्या करते हैं रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, आपने परचेज जर्नल में उसको लिख दिया। देन पेमेंट्स ऑफ कैश फॉर एनी पर्पस, आपने रिकॉर्डेड इन कैश पेमेंट जर्नल, कैश पे कर रहे हैं आपने उसको उसमें लिख दिया। सो एज वी टॉक्ड अबाउट इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स दैट यू हैव टू मेंटेन फोर स्पेशल जर्नल्स, आपने परचेज का अलग से बनाना है, सेल्स का अलग से बनाना है, आपने कैश रिसीट्स का अलग से बनाना है, कैश पेमेंट्स का अलग से। अब आपके पास चार स्पेशल जर्नल्स हैं, आप समझ लें कि आपने चार अलग से पेजेस बनाए हैं। एक पेज आपने जर्नल एंट्रीज के लिए एलोकेट कर दिया है परचेजेस के लिए, दूसरा पेज आपने एलोकेट कर दिया है आपने अपनी सेल्स के लिए, तीसरा पेज आपने एलोकेट कर दिया कैश रिसीट्स के लिए, और चौथा पेज आपने जनरल एंट्रीज का एलोकेट कर दिया है अपनी कैश पेमेंट्स के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर स्पेशल जर्नल्स। सो दैट इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 17 रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 5। सो थैंक यू वेरी मच अप टू नाउ एंड इंशाल्लाह वी विल मीट इन द लेक्चर नंबर 18। सो अप टू दैट अल्लाह हाफिज़।